दोस्तों, अगर आप एक एपीएस संचालक है या फिर आपके पास सीएससी सेंटर है या फिर आप कोई ऐसे ऑनलाइन वर्क करते या फिर मान लो किसी पेमेंट बैंक की आईडी एयरटेल पेमेंट बैंक पेटीएम इत्यादि की आईडी आप ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं या फिर आप स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या किसी तरह का जॉब करते हो और आप बड़े स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हो और आए दिन सुनते रहते हो किसी के साथ फ्रॉड हो गया, कॉल फ्रॉड हो गया, किसी का ओटीपी लेके फ्रॉड किया, किसी का बिना ओटीपी लिए ही फ्रॉड कर गया, तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आप ऑनलाइन वर्क करते हो, ऑनलाइन सर्विसेज देते हो, आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हो, स्कैमर आपको किस प्रकार से टारगेट करते हैं और आपके फोन को हैक करने की कोशिश करते हैं, हम उसे किस प्रकार बच सके। जहां किसी और को ही नहीं, मुझे ही टारगेट किया गया है, मेरे फोन को हैक करने की कोशिश किस प्रकार से किया है और आप इससे बच सको, लेके आपके लिए कम्प्लीट वीडियो। वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो दरअसल ये मेरे साथ ही नहीं, मेरे साथ कुछ जुड़े हुए ग्रुप है जो एयरटेल पेमेंट बैंक के हमारे एरिया ग्रुप, उसमें कई लोगों को ये मैसेज आ रहे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा अपने डिस्प्ले पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके व्हाट्सएप ओपन कर, जो उनके व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज अलग अलग नंबरों से उन्हें प्राप्त हो रही है, जो बहुत सारे लोगों ने हमारे ग्रुप में भी कहा कि अलग अलग नंबर से यहाँ पे एप्लीकेशन सेंड की जाती है। हम चलते हैं कंप्यूटर जहाँ पे मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ है और रिसेंटली जो मैसेज है ये आज का ही है, जब आज वीडियो शूट करो रात के 1:19 का मैसेज यहाँ पे दिया गया, पीएम मोदी से लाइव जुड़े इतना इतना करके नाम लिखा हुआ, उसके साथ एक एपीके। एपीके आपको नहीं मालूम है तो ये एक एंड्रॉइड की एप्लीकेशन होती है जिसे आपको कोई नॉर्मली व्हाट्सएप भेज देगा, आप इंस्टॉल कर लोगे उस तरह से होता है और ये एपीके एक तरह का वायरस है, आपके फोन को हैक कर लेगा, उसका वायरस है ये एपीके भेज रहा है। लिखा गया पीएम मोदी से लाइव जुड़े बोलकर और इसमें जितना प्रोफाइल लगा हुआ क्लिक करते हैं, एक डॉक्टर की तरह फोटो लगा, एक बार फिर से मोदी जी, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है तो सोचा लोग कि जो अंधभक्त होंगे वो फटाफट डाउन करेंगे मोदी जुड़ने वाले एप्लीकेशन है और उसके मोबाइल को हैक कर जाएगा तो सारा पैसा बैंक अकाउंट खाली कर जाएगा। ना सिर्फ यही, मैं जानता बहुत लोग कि मैं सीएससी आईडी है, मैं सीएससी संचालक भी हूँ, तो मुझे सेकंड वाले सीएसपी सर्विस मेल ऑल मेंबर ज्वाइन ग्रुप फिर एपीके, यहाँ पे भी एक बंदे का फोटो है, अभी फोटो कहाँ लाया था पता नहीं, सीएसपी लिखा हुआ इस पर प्रोफाइल है, नंबर ये मैं नंबर भी शो कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे एपीके भेजा, ये फ्राइडे का है यानी कि 1-2 दिन पहले, इससे पहले एयरटेल पेमेंट बैंक का मैं बीसी हूँ, तो यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक सीएसपी अपडेट एपीके, ये 2 MB की फाइल है और यहाँ पे मुझे भैया इससे पहले अलग अलग आलतू फालतू नामों से, यहाँ तक कि गंदी गंदी फोटो अलग अलग चीजों से यहाँ भेजा, अलग अलग नामों से कि आप कैसे भी कर इंस्टॉल कर लो, आपको यहाँ पे और भी देखोगे अलग अलग चीजों भेजा गया है, यहाँ पे सीएसपी ग्रुप है अलग अलग नाम से, सीएससी ग्रुप, सीएसपी ग्रुप, पेटीएम ग्रुप, यहाँ तक मैं जिस सिटी से रहता हूँ उसके नाम से भी, कटिहार कॉल गर्ल, इंस्टाग्राम आईडी फॉलो मी DPTC, और सबसे ज्यादा यहाँ पे शुरू अयोध्या राम मंदिर का बोल के जनवरी से आ रहा शुरू हुआ है, राम मंदिर बोलकर इस एप्लीकेशन सेंड किया जा रहा है। मैं कई लोगों को कह दिया कि मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो आईफोन है और आईफोन की खासियत ये होती है आप बाहर से कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, जो भी इंस्टॉल करना होगा आपको इसके ऐप स्टोर से ही करना होगा। कई लोगों को मैंने रिप्लाई भी दिया है और कई लोगों को मैंने कहा कि भैया मेरा आईफोन है, तो ये तो बात हुई एपीके आपको व्हाट्सएप में धड़ाधड़ सेंड करने के, डेली बेस पे मेरे को 3-4 महीने से इस प्रकार से मेरे एक नंबर है जो एयरटेल बीसी आईडी के नंबर है उस पे भेजा जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है। अब इसका मकसद क्या है एप्लीकेशन का, आप सोचो ना, कोई अगर आपको सीएससी बोलकर, सीएससी बोलकर एपीएस पे नियर बाय फिनो अलग अलग चीजों के नाम से राम मंदिर मोदी इटीसी करके भेज रहा है, तो उसका मकसद क्या है। मैंने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम था सेव इंडिया, जिसे मैंने इस प्रकार से होने वाले फ्रॉड कैसे बचा जाए और ये फ्रॉड से किस प्रकार करते हैं, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से क्या हो सकता है, इसे फिर इंस्टॉल करने से क्या आपके मोबाइल कर सकता है, मैंने उसके बारे में अपने एक दूसरे फोन का रिस्क लेकर मैंने उसे इंस्टॉल किया, सब कुछ करके लाइव दिखाया है। अगर वो वीडियो देखना चाहो तो ऊपर आई इन्फो पे या फिर मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप तो जरूर चेकआउट करो ताकि आप समझ जाओ ये एप्लीकेशन आपको करना क्या चाहती है। मोटा मोटी तौर पर बता दें, एप्लीकेशन आपके परमिशन, जो मोबाइल परमिशन ले लेते हैं फोटो मीडिया एक्सेस करने की, कुछ कुछ एप्लीकेशन बहुत सारे अलग अलग एमबी के एप्लीकेशन आते हैं, 2 MB, 4 MB, 8 MB अलग एमबी साइज का, 5 MB की है ये एप्लीकेशन, आपके मोबाइल अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने तक का क्षमता रखता है, आपके मोबाइल की स्क्रीन को कास्ट यानी आपके डिस्प्ले पे क्या क्या हो रहा है वो देख सकता है, ये सारी चीज़ एक तरह से कहें तो आपके मोबाइल को पूरी तरह से हैक कर सकता है और आपके बैंक अकाउंट को बिना आपके ओटीपी लिए हुए, चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे आपकी सीएसपी आईडी हो, चाहे आपकी एपीएस आईडी हो, चाहे आपका कोई तरह का आईडी, उस सबके पैसे को खाली कर, यानी कि सिंपल सा बताएं तो ये छोटा तरकीब लगाकर आपको लूटने का एक बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पे लोग चला रहा है। और मुझे मैसेज मुझे ही नहीं कभी से लोगों को जा रहे हैं, यहाँ पे दिक्कत ये कि लगातार भेज होता है कि कुछ लोगों की, किसी हम चला रहे हम समझदार है, हमारे कुछ फैमिली मोबाइल चला रहे गलती से इंस्टॉल कर दिया
तो यहाँ पर दिक्कत हो सकता था। आप सिंपली अपने एप्लीकेशन मैनेजर अंदर जाकर आप एक एक कर अपने एप्लीकेशन ट्रैक करें और चेक करें कोई ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल तो नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आपकी गूगल प्ले सर्विस एक्सिस बैंक का नाम से सेव हो जाएगा। आप ढूंढ भी ना कौन सा स्कैम ऐप है, कौन सा जेन्युइन ऐप है। और इस प्रकार से जो मैसेज आते हैं आप इस तरह इग्नोर करें और किसी भी तरह बाहरी सोर्स से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें, कोई लिंक से भी इंस्टॉल ना करें जब तक आप उसको ट्रस्टफुली नहीं हो। तो ऐसे एप्लीकेशन आपके फोन को हैक कर जाए, फटाक जाओ उस वीडियो को आप चेकआउट को जैसे मैंने बताया पूरा डिटेल से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। उस चैनल में सिर्फ फ्रॉड कैसे करते हैं लोग, आप उससे किस प्रकार बच सकते हैं उसी जानकारी मैं देता हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।